उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिल जलाने वाली वारदात हुई। यह जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के प्रतिशोध में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरे परिवार में पति पत्नी, 2 बेटी और बेटे का गला काटा गया और गोली मारी गई। ईंट से सिर कुचल दिए गए। हमलावर इतने बेरहम हो चुके थे कि उन्होंने 8 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। उस बच्चे पर कई बार की और उसे मरा समझकर छोड़ गए। हालांकि उसकी सांसें चलती रही, उसे गंभीर हालत में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। जिस घर में ये वारदात हुई, वहां नरसंहार जैसे हालात दिखाई दिए। हर तरफ खून ही खून और लाश ही नजर आ रही थी। घटना देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव की है। इस जघन्य हत्याकांड को पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद अंजाम दिया गया।